दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे सांप निम्बलेस अक्सर क्यों हार जाता है। आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। सांप बहुत ही जहरीला खतरनाक जानवर है। ये बड़े जैसे हाथी जानवर को भी मार सकता है। अक्सर इंसान के भी सांप को देखकर पसीने छूट जाते हैं। तो निम्बले के अंदर वो ऐसी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से सांप हार मान लेता है? और ये बिना घुटने वाला सांप भी इसके सामने घुटने टेक देता है। और क्या सांप निम्बले से हर बार हार जाता है? जानने के बाद आप भी बहुत ज्यादा चौंक जाओगे। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सांप और निम्बले की लड़ाई में ये बात तो पक्की है कि सांप अपनी जान बचाने के लिए निम्बले पर हमला करता है, लेकिन निम्बला सांप को खाने के लिए हमला करता है। यानी इस लड़ाई में ये बात तो पक्की है, लड़ाई होने से पहले ही लड़ाई में विजेता निम्बला होता है। सांप को मार डालने में निम्बले की सफलता का कारण उसकी चार खूबियां हैं, जिसमें से एक है निम्बले का बहुत ही ज्यादा फुर्तीला होना। जो जीव जितना फुर्तीला होता है उसे सामने वाला जीव उतना ही शांत और सुस्त दिखाई देता है। निम्बले की दूसरी जीत की वजह है उसके सख्त तने हुए बाल। जब निम्बला किसी सांप का शिकार करता है तो ठीक उसी तरह अपने बालों को खड़ा कर लेता है, जैसे इंसान के ठंड से खड़े हो जाते हैं। और इन्हीं बालों की वजह से यह सांप के काटने से बच जाता है। सांप के जहर से बचाव के लिए निम्बले के पास जो आखिरी हथियार होता है वो होता है विष प्रतिरोधक क्षमता। किसी भी निम्बले के अंदर विष प्रतिरोधक क्षमता, सांप के जहर की घुलती हुई धीरे धीरे मात्रा को अपने अंदर सहन कर लेते हैं। तो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है बबल्स न्यूज़ चैनल को।